तो चलिए आज बनाते हैं मैंगो मिल्क शेक। सीजन का फर्स्ट टाइम आम आया था घर पे, तो इसलिए सोचा कि मैंगो मिल्क शेक ही बना देते हैं। तो बहुत दिनों बाद मैंगो मिल्क शेक पिया, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इजी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रेश फ्रेश आम ले लिया है, बस इन सबको एक बाउल में लेकर अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ऊपर का जो अच्छा कवर होता है ना, उसे अच्छे से वॉश करके लीजिएगा, क्योंकि ये लोग ना दवा देकर पकाते हैं इसे। तो बस तो इसे अच्छे से वॉश करके ना इसका कट करके ले लेना है, इसका पल्प निकाल लेना है। तो अभी थोड़ा मुश्किल होता है ना, रेशे वाला आम रहता है तो थोड़ा मुश्किल होता है कट करने, मतलब अच्छे से कट नहीं हो पाता है इसकी वजह से। बस चम्मच या चाकू से जैसे भी इसका पल्प निकाल लेना है अच्छी तरीके से। तो जितना भी आम है ना, उसका पल्प मैंने अलग अलग तरीके से ट्राई करके निकाल लिया था, कभी चाकू से कभी स्पून से। तो इस तरीके से मैंने निकाल के ले लिया था सारा पल्प। तो बस अब मिक्सर ले लीजिए और इसमें जो मैंगो का पल्प निकाला था वो डाल दें। तो बहुत इजी है, बहुत आप लोग बस इसे 5 मिनट में, 5 नहीं उससे भी कम मिनट में बना के आराम से पी सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने 2 ग्लास मिल्क रख दिया है, तो ठंडा मिल्क रखा है। बस यहाँ पे 2 चम्मच के करीबन शुगर ऐड कर दिया है। तो बस, और यहाँ पे चुटकी भर आप इलायची पाउडर डाल दी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 8-9 काजू डाल दिया था और यहाँ पर मैंने बर्फ़ डाल दिया था, बर्फ़ का क्यूब। तो इससे बहुत अच्छा ठंडा ठंडा, और गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा मन होता है पीने का, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा आम के सीज़न में, आम का मिल्क शेक और भी वैरायटी ऑफ मैंगो का कुछ बनाकर पी सकते हैं। बस अच्छे से ग्राइंड हो गया था और बस इसे ठंडा ठंडा ग्लास में अच्छे से सर्व कर दें, तो देखिए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोग बहुत अच्छा ऑप्शन है, घर पे 5 मिनट के अंदर बना के पी सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा मैंने किशमिश और बादाम को क्रश करके गार्निश कर दिया था। तो ये देखिए बस, और बहुत इजी, बस 3-4 मिनट में बन जाएगा मैंगो मिल्क शेक। और आप लोग इसे बहुत ही इजी बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। तो मिलते हैं।